नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है। तो आप इन प्रश्नों को एक बार रट लीजिए, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स दिलाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होता है? ए ऑप्शन है एमजी, बी ऑप्शन है एमओ, सी ऑप्शन है सीए, डी ऑप्शन है ये सभी। इसका ए ऑप्शन एमजी यानी मैग्नीशियम सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है? ए ऑप्शन है जड़ों से, बी ऑप्शन है जलीय वायवीय भागों से, सी ऑप्शन है तनों से, डी ऑप्शन है पत्तियों से। इसका बी ऑप्शन सभी वायवीय भागों से सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है क्लाइनोमीटर, बी ऑप्शन है पोटोमीटर, सी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन पोटोमीटर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? ए ऑप्शन है पत्ती में, बी ऑप्शन है जड़ में, सी ऑप्शन है तना में, डी ऑप्शन है पूरा पौधा। इसका डी ऑप्शन पूरा पौधा सही उत्तर है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पूरे पौधे में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? ए ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है ये सभी। इसका डी ऑप्शन ये सभी सही उत्तर है। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों आवश्यक हैं। इसका डी ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ए ऑप्शन है ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, डी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका ए ऑप्शन ऑक्सीजन सही उत्तर है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इसलिए इसका ए उत्तर सही है, सॉरी ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? ए ऑप्शन है केवल रात में, बी ऑप्शन है केवल दिन में, सी ऑप्शन है दिन और रात में, डी ऑप्शन है दिन में अथवा रात में। इसका बी ऑप्शन केवल दिन में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है?
ए ऑप्शन है ऑटोमीटर, बी ऑप्शन है रेस्पिरोमीटर, सी ऑप्शन है ओटोमीटर, डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। इसका बी ऑप्शन रेस्पिरोमीटर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन ऑक्सीजन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इथिलीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका पहला ऑप्शन इथिलीन ए ऑप्शन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है सोडियम, सी ऑप्शन है कैल्शियम, डी ऑप्शन है फास्फोरस। इसका बी ऑप्शन सही उत्तर है, सोडियम। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है? ए ऑप्शन है वायुमंडल से, बी ऑप्शन है जल से, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन जल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? ए ऑप्शन है पोटोमीटर, बी ऑप्शन है ऑटोमीटर, सी ऑप्शन है ऑक्सीजनोमीटर, डी ऑप्शन है रेस्पिरोमीटर। इसका सी ऑप्शन ऑक्सीजनोमीटर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, डी ऑप्शन है कैल्शियम। इसका बी ऑप्शन क्लोरोफिल सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है फफूंदी, सी ऑप्शन है प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन है विषाणु। इसका बी ऑप्शन फफूंदी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, बी ऑप्शन है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, सी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका ए ऑप्शन फोटोसिंथेसिस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इथिलीन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिन, तीसरा ऑप्शन है जिब्रेलिन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सी ऑप्शन जिब्रेलिन सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है। ए ऑप्शन है निशाना नुकुंचन, बी ऑप्शन है कंपानु नुकुंचन, सी ऑप्शन है प्रकाशानुकुंचन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन कंपानुकुंचन सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है गन्ना, तीसरा ऑप्शन है ज्वार, चौथा ऑप्शन है मूंगफली। इसका पहला ऑप्शन ए ऑप्शन धान सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है विषाणु के कारण, दूसरा ऑप्शन है जस्ता की कमी के कारण, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन जस्ता की कमी के कारण सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।